आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। नवरात्रि खत्म होने से पहले घर में कुछ शुभ चीजें ले आए, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। जगत जननी माँ पराम्बा की उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि बड़े ही श्रेष्ठ होते हैं, जो कि अभी 6 तारीख से 15 तारीख तक के अवधि में हम सबको बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं। इस नवरात्रि में माता महालक्ष्मी हमारे ऊपर आकर्षित हो या प्रसन्न हो, उनकी कृपा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करेंगी और हमारे घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करेंगी। इसमें सर्वप्रथम है माता लक्ष्मी जी का चिन्ह या तस्वीर या कोई मूर्ति, ऐसी मूर्ति जो कि कमल के ऊपर विराजमान हो, ऐसी तस्वीर जिसमें माता कमल के ऊपर विराजमान हो, जिनके हाथों से सोने की वृष्टि हो रही हो, वो हमारे परिवार की दारिद्रता का नाश करेंगे। दूसरा कमल का फूल, कमल का फूल माता को अति प्रिय है। गुलाबी रंग का कमल का फूल माता को अर्पण करने से माता हमारे ऊपर प्रसन्न होती है और उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है, इसलिए कमल का फूल माता जी के लिए जरूर लाना चाहिए। चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का जिसमें माता लक्ष्मी का प्रतिचिन्ह हो और दोनों ओर से उनके ऊपर हाथी की सूंड से स्वर्ण वृष्टि होती है या जल की वृष्टि होती है, ऐसा वाला सिक्का ला करके अपनी पूजा में समर्पित करें। और सजने का, सवरने का, सोलह श्रृंगार का सामान, ये भी हम इस नवरात्रे में ला सकते हैं। माता को सौभाग्य की सामग्री के रूप में वह अर्पण करें और उसी का प्रसाद स्वरूप हम हमारे जीवन में इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त होगा।